अम्मी जान, मैं और जैन निकाह कर चुके हैं। क्या क्या बकवास कर रहे थे भैया? शर्जी बेटा, कंट्रोल कंट्रोल। अरे तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ, मैं बात करता हूँ तुमसे, जाओ। हम तो आपसे दुआएं लेने आए थे बेगम जनाब। बेटी की शादी वाले दिन उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं। बकवास बंद करो। हमारी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, समझे तुम? भाभी, अगर बाप की मर्जी शामिल हो तो बेटी को किसी और की मर्जी और इजाजत की जरूरत नहीं होती। सरवत, अब चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। हमारी और इस घर की बेहतरी इसी में है कि हम रिश्ते को खुशी के साथ कबूल कर लें। बल्कि हो सके तो बेटी को घर से इज्जत के साथ और खुशी के साथ रुखसत करने की तैयारी करो। हम इस शादी को नहीं मानते। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी जान। हम सोच भी नहीं सकते थे अफसा कि तुम माँ की मोहब्बत का ये सिला दोगी कि आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, लेकिन अगर आप मान जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम जानती हो हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का ये सिला दिया है तुमने हमें कि आज हम किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, जानती हूँ मैंने गलत किया, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन माफ तो हम तुम्हें कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। सरबत को सतुत दो, एक ही बेटी है हमारी, कर दो इसे माफ। तुमने अपनी मर्जी से जो करना था वो कर लिया, मगर एक बात याद रखना, तुमने जिस मकसद के लिए मेरी बेटी को वरगलाया है वो मैं हरगिज पूरा नहीं होने दूंगी। इस घर से तुम्हें जहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझे तुम दोनों? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप अपनी मनमानी कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती? कुछ तो सोचिए, लोग क्या कहेंगे, अफसा के ससुराल वाले क्या कहेंगे, आखिर हमारी अकलौती बेटी है। दुनिया वालों का ख्याल आपको उस वक्त नहीं आया जब आपने चोरी छुपे अपनी बेटी की शादी करवा दी। बस हमने जो कह दिया सो कह दिया, अब इससे आगे एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहते हम। मैं जानती थी मेरे साथ ऐसे ही सलूक करेंगे। होते क्यों? मैं हूं ना, जिन बेटियों के बाप जिंदा होते हैं वो रोती नहीं। ठीक है सन बेटा, आप बेशक जाओ, हम रुख्सती की तारीख पुछवा करके तय कर लेंगे। हमारी जिंदगी का इतना हसीन लम्हा है और तुम मुझसे मिले बगैर जा रहे हो। इसी उम्मीद पर तो जा रहा हूं अफसा कि अब हम हमेशा के लिए मिल जाएंगे। लेकिन वादा करो कि तुम जल्दी वापस आओगे और हमारे इस फासले को जल्द से जल्द खत्म कर दो। आता, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, चलता हूं मैं।
खुदा का, मेरे इकलौते बेटे का निकाह हो गया और आपने बताना जरूरी नहीं समझा। यूसुफ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप दोनों ने मुझे गैर कर दिया। मैं क्या कुछ नहीं लगती आप लोगों की। जितना गुस्सा करना है कर लो शमीम बानो, हक है तुम्हारा नाराज होने का, लेकिन लेकिन मैं क्या करता? क्या मतलब क्या करता? देखो, जैन ने मुझे मना किया था। जैन ने? हाँ, जैन ने। लो, आ गया तुम्हारा बेटा, अब कर लो इससे बात। मी, मत कहो तुम मुझे अम्मी, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। अगर कुछ लगती होती ना तो तुम मेरे साथ ये नहीं करते। अभी गुस्सा हुरूज पर है, लेकिन माँ है तुम्हारी, प्यार से मनाओगे तो मान जाएगी। तुमसे बहुत शर्मिंदा है, इस लड़की ने तो हमें किसी से नजरें मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ को क्या कहेंगे हम, और हमसे पहले तो तुम्हें उन्हें जवाब देना होगा। जी। पता नहीं आजकल की नौजवान नस्ल इतनी खुद सर और गुस्ताख क्यों है, अपने अलावा उन्हें कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। जनरेशन का कसूर नहीं है, मेरा ख्याल है वालिदैन ही बदलते जमाने को समझ नहीं पा रहे। ये बात तो तुम इस तरह कह रहे हो जैसे उसने ये हरकत करके कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें कोई दुख नहीं है उसकी इस हरकत का? दुख? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर वो आपकी मर्जी से शादी करती तो शायद कभी खुश ना रहती। अब मेरा ख्याल है बेगम साहबा, अब ये सब भूल जाइए और हफ्सा की रुखसती की तैयारी कीजिए। हरगिज नहीं, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी बेटी का शौहर एक मामूली सा गरीब हकीर इंसान है। पहले ही क्या कम रुसवाई हुई है हमारी खानदान में, हमारे चांद से बेटे को कत्ल कर दिया गया, और बेटी उसने भी हमारे दिल में अंगारे भर के रख दिए हैं। माफ कर देने से जख्म की टीसे तकलीफ नहीं देती, माफ कर दीजिए, इसी में बड़ाई है। तुम कैसे इंसान हो, मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ सकी। तुम्हें मुझसे गिला करने का, शिकायत करने का पूरा हक है। क्या तुम्हें अफसा से मोहब्बत नहीं है? उससे शादी करना भी चाहते थे या नहीं? बजाय इसके कि मुझसे गिला करो, मुझसे शिकायत करो, उल्टा मुझे माफ कर देने की तलकीन कर रहे हो। अब जो हो चुका है बेगम साहिबा, उसे बदल तो नहीं सकते ना। अगर तुम मेरा साथ दो तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। प्लीज ऐसे तो ना करें आप, आपने खाना भी नहीं खाया है, ऐसे तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। प्लीज अम्मी, एक दफा आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं जैन, तुमने जो मेरे साथ किया है ऐसा तो कोई सौतेला बेटा अपनी माँ के साथ नहीं करता। माँ के दिलों में कितने अरमान होते हैं अपने बेटे की शादी करने के, और तुम तो मेरे इकलौते बेटे थे, तुमने मेरे साथ ये किया। अम्मी प्लीज रोए तो मत आप। अम्मी मुझे पता है कि मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आप मुझे मार लें, आप मुझे डांट लें, जो दिल चाहे कर लें, लेकिन अम्मी प्लीज एक दफा मेरी तामुल से बात तो सुन लें। दुनिया की कोई दलील ऐसी नहीं हो सकती जो इकलौते बेटे की शादी में माँ को शरीक ना करने पर उसे मुतमईन कर सके। फिर भी तुम जो कहना चाहते हो ना कहो। अम्मी ये सब कुछ बेगम जलाल की मर्जी के खिलाफ और उनके इल्म में लाए बगैर हुआ है, और उन्होंने हफ्सा पे पाबंदियां लगा दी थी कहीं आने जाने पर। इन हालात में
अप्पू और जलाल साहब ने यही बेहतर समझा कि निकाह का वक्त और दिन किसी को ना बताए, और आपको इसलिए नहीं बताया कि आप घर पे होंगी तो उनको शक नहीं होगा और वो निकाह नहीं रोक सकेंगी। मीम सिर्फ यही बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो आपको पता है मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करता। प्लीज अब तो रोना बंद कर दें प्लीज अम्मी। सुने ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत, शायद तुम्हारा रास्ता आसान हो रहा है। मेरा रास्ता, मेरी मंजिल, मेरे अपने सभी खो चुके हैं। नहीं अंजला, ऐसा मत सोचो। और फिर मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ, भरोसा करो मुझ पे जैसे पहले किया था। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं जानती हूं कि तुम क्यों आई हो। तुम्हें मामा ने भेजा है ना ये देखने के लिए कि मैं कितनी परेशान हूं। तो देख लो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, खुश हूं मैं, बहुत खुश। अल्लाह करे कि आप हमेशा खुश रहें। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस रामेश से शादी करने के लिए तो राजी हो गई थी, फिर ये सब। अच्छा तो तुम्हें इस बात की बेचैनी हो रही है कि मैंने रामेश से शादी क्यों नहीं की? मुझे क्यों बेचैनी होगी, मैं तो बस 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 मुझे अपनी वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से, और जब अपने ही दिल की मुराद पूरी ना हो तो शादी वाले दिन ही उसे जहर देकर अपने ही रास्ते से हटा दूं। ठीक कहा आपने, मैं आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूं। रुको, मामा ने तुमसे कुछ कहा क्या? यही कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मुझसे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, आप परेशान ना हो, और वो आपकी माँ है, माएं तो अपनी औलाद की बड़ी सी बड़ी गलती माफ कर देती हैं। गलत सोच रही है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी भी एक माँ है और मैं समझती हूँ कि सारी माएं एक जैसी होती हैं। तुम नूर बानो की बात कर रही हो? वही मेरी माँ है, मैं वो नहीं अपनी माँ समझती हूँ। जब मैं रोती हूँ तो वो रोती हैं, और जब मैं हंसती हूँ तो वो। अगर तुम ये समझ कर आई हो कि तुम्हारी इस गलती को मैं माफ करके तुम्हारी शादी को कबूल कर लूंगी, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अब तो अंजला की माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अंजला की माँ क्या मतलब है तुम्हारा? सबका मानना है कि अंजला ने अपने शौहर का कत्ल किया है, वो अपने शौहर की कातिल है, लेकिन
लेकिन क्या कभी आपने नूर बानो की आंखों में देखा? सारी दुनिया अंजला के खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन नूर बानो ने कभी अपनी बेटी को गुनहगार नहीं समझा, जबकि वो तो उसकी मुंह बोली बेटी है। और मैं तो फिर आपकी सगी औलाद हूं। तुम मुझे एक आम सी औरत से मिला रही हो? मैं नहीं, अंजला कहती है कि सारी माएं एक जैसी होती हैं। बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन वो अपनी औलाद को माफ कर देती है। और आप? नहीं हूं मैं उन सब बेवकूफ माओं की तरह जो अपनी औलाद की गलतियों को माफ करके समझती है कि उन्होंने बहुत मोहब्बत का सबूत दिया है। मोहब्बत के लिए भी अकल की जरूरत होती है। समझ बूझ होते हुए भी जिस मोहब्बत को तुम मुझे समझाने आई हो, उस सिवाय वक्ती खुशी का कुछ भी नहीं है। क्या बच्चों से कोई गलती नहीं होती है? गलती नहीं, सरकशी की है तुमने, मुझे नीचा दिखाने के लिए सारे जमाने के सामने, बल्कि मेरी अपनी नजरों में भी। आज एहसास हुआ मुझे कि बेटियों से मोहब्बत करते हुए बाबा को यह नहीं भूलना चाहिए कि मोहब्बत ही बगावत सिखाती है। बगावत बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होती। आपको अंदाजा नहीं है कि जिंदगी के उसूल जीते जीते आप खुद एक उसूल बन चुकी हैं। बेजान जिंदगी की हरारत से दूर सिर्फ एक उसूल। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जा सकती हो तुम यहां से। मैंने कहा जा सकती हो तुम। I just said